पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट विच कम ठप रहेगा। की है मामला दस्सिया क्योंकि श्री मुक्तसर साहिब बार एसोसीएशन दे एक मैंबर वकील नूं पंजाब पुलिस दी जुड़ियां अमानवी यातनावां दा शिकार होना पिया। इसे विरोध विच पंजाब हरियाणा बार कौंसल जुड़ियां निश्चित काल दे लई काम तो दूर रहण दा फैसला कीता है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट दे जिहड़े वकील ने प्रदर्शन करदे हुए आरोपी पुलिसकर्मियां नूं सज़ा दिवाउण दी मंग कर रहे ने। इस दे नाल ही मामले की जाँच किसी बाहरी एजेंसी या CBI NIA तो करवाउण दी भी मंग की। वकीला ने कहा पंजाब पुलिस मामले की निरपक्ष जांच नहीं कर सकती। उन्होंने कहा मामला आरोपी पुलिसकर्मियों से FIR होने या उन्होंने गिरफ्तारी तो खत्म नहीं होने वाला। वकीला ने कहा यह मामला उस समय खत्म होगा जब आरोपी पुलिसकर्मियों इस घिनौने अपराध लई सज़ा दी जाएगी। इस कारण निरपक्ष जांच होनी बहुत जरूरी है। इस तो पहला पंजाब और हरियाणा दीआं जिहड़ियां अदालतों में बार एसोसीएशन वालों कामकाज ठप करन दा पता लगन ते पंजाब सरकार देर रात हरकत विच आई। इस दे तुरंत बाद श्री मुक्तसर साहिब दे SPD रमनदीप सिंह भुल्लर समेत CIA इंचार्ज रमन कंबोज अते चार कांस्टेबल हरबंस सिंह भुपिंदर गुरप्रीत सिंह अते दारा सिंह दे खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। इस तो पहला पंजाब अते हरियाणा बार कौंसल ने अदालती कामकाज तो दूर रहन दी भी सूचना है। जिहड़ी पंजाब हरियाणा अते केंद्र शासित प्रदेश है जिहड़ी चंडीगढ़ दीआं सारीआं बार एसोसीएशनां दे प्रधान अते सकत्तरां नूं भेज दित्ती सी। वकीलां ने काम ते दोबारा परतन तो पहला कई मंगां रखियां ने। इह वकीलां दीआं मंगां की ने उस बारे जानकारी दिंदे आ। मामले की जाँच पंजाब तो बाहर हरियाणा या चंडीगढ़ की किसी स्वतंत्र एजेंसी नूं सौंपी जाए। दूजी मंग है वकील के खिलाफ दर्ज FIR तत्काल प्रभाव तो रद्द की जाए। तीजी मंग है पीड़ित वकील अमानवीय जिहड़ियां यातनावां देण वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करके उन्होंने तुरंत गिरफ्तार किया जाए। चौथी मंग है श्री मुक्तसर साहिब के SSP तुरंत प्रभाव के नाल बर्खास्त किया जाए। हुण वेखना होगा वकीलों दीआं जिहड़ियां इह मंगां कदों मन्नियां जांदियां ने अते पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट विच कामकाज कदों तक ठप रहेगा। अपडेट लैके रूबरू होवांगे। वेखते रहो लुधियाना लाइव।